नमस्कार, स्वागत है आपका स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं हूं जुबैर खान। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान सीएम ने बढ़ती महंगाई और केंद्र सरकार की नीतियों की भी जमकर आलोचना की। सीएम बघेल ने कहा कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बिकाऊ इंसान है। उन्होंने कहा कि एयर इंडिया का लोगों है महाराजा और मोदी सरकार ने इसे बेचने का काम सिंधिया को दिया है। इसके साथ बघेल ने कहा कि एयर इंडिया और सिंधिया दोनों बिकाऊ हैं। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। जो अवसर थे उसको खत्म किया, रेल बेच रहे हैं, अब तो प्लेन बेच रहे हैं। अब प्लेन बेचने के लिए किसको दिए? जो एयर इंडिया का प्लेन है उसे बेचने जा रहे हैं, उस मंत्रालय को दिया सिंधिया जी को। अब स्थिति क्या है? एयर इंडिया के लोगों क्या है? महाराजा। तो वो कह रहे हैं कि महाराजा आइए, हम दोनों बिकाऊ हैं, एयरपोर्ट भी और सिंधिया जी भी। तो एक बिकाऊ है, दूसरे संस्था को बेचने की जिम्मेदारी दी गई है। तो सब कुछ बेच डालेंगे तो लोगों के पास रोजगार क्या रहे? 100 रुपये से ज्यादा पेट्रोल होने पर वैसे हाय तबाह क्यों नहीं मचा रहे हैं? आखिर अब ये क्या कर रहे हैं? आदरणीय साथियों, पिछले 40 साल में पहली बार भारत की अर्थव्यवस्था उल्टे पांव चल रही है। आर्थिक गतिविधियों में तकरीबन 10% के आसपास निवेश घटा है। आज़ादी के बाद से लेकर अब तक निवेश को लेकर इतनी बुरी स्थिति कभी नहीं थी। मई 2021 में भारत में बेरोजगारी दर 11.9% के आसपास हो गई है। इतने बड़े बेरोजगारों की फौज भारत में आज़ादी के बाद से लेकर अब तक कभी नहीं देखी। आंकड़ों में देखा जाए तो तकरीबन 5 से 8 करोड़ लोग मौजूदा समय में बिना काम के जिंदगी जी रहे हैं, यानी लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोग पहले से अधिक गरीब हो गए हैं। उत्पादन के सभी साधन रुके हुए हैं। पहले से मौजूद माल को खरीदने वाले बाजार में खरीदार नहीं है, लेकिन खाने पीने की सारी चीज़ें महंगी हो गई है। अर्थव्यवस्था के सभी जानकार से लेकर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम तक सबकी सहमति है कि इसका कारण का नाम है पेट्रोल डीजल यानी ईंधन की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी होना, कि लोगों का दम घुटने लगा है। किसानों को कानून की कड़ाई मार गई, व्यापारी को जीएसटी की भराई मार गई, नौजवानों को रोजगार की लड़ाई मार गई और कमजोर को दिखावे की भलाई मार गई। अच्छे दिन के सपने दिखाए थे लोगों ने, सपना बुना और पूरे देश को मोदी की महंगाई मार गई। काफी गलत नीतियों का, पहले नोटबंदी किया, फिर जीएसटी लगाया, फिर लॉकडाउन गलत ढंग से लगाया और इसके कारण से ये महंगाई बढ़ रही है। और सबसे बड़े महंगाई बढ़ने का कारण पेट्रोलियम पदार्थों की वृद्धि। जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पेट्रोल के भाव गिर गए हैं, तब पेट्रोल और डीजल के बीच में कंपटीशन हो रहा है कौन ज़्यादा आगे आता है। पेट्रोल तो सेंचुरी पार कर चुका है और डीजल भी उसके पीछे पीछे पहुँच रही है। तो लगातार जो महंगा और पेट्रोलियम पदार्थों के बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा और उसके कारण से लगातार महंगाई बढ़ रही है। तो सरकार के गलत नीतियों का ये परिणाम है जिसके कारण से महंगाई बढ़ रही है। ये प्रदेश नहीं बल्कि ये तो राष्ट्रीय समस्या है। पूरे देश में रासायनिक खाद के खासकर डीएपी यूरिया की भारी किल्लत है। भारत सरकार पूर्ति नहीं कर पा रही है। डिमांड पिछले साल की तरह इस साल भी भेजा गया है, लेकिन उसमें भी भेदभाव किया जा रहा है। यूपी और मध्य प्रदेश में तो 50% रासायनिक खाद भेजे गए, लेकिन छत्तीसगढ़ में उससे भी कम रासायनिक खाद भेजे गए हैं। तो ये सरकार दुर्भावना से काम कर रही, केंद्र की सरकार छत्तीसगढ़ किसानों के साथ अन्याय कर रही है और लगातार डिमांड के बाद भी पूर्ति भारत सरकार नहीं कर पा रही है। यही भारतीय जनता पार्टी है। जब नसबंदी का कार्यक्रम चला था तो ये लोग विरोध किए थे। यदि 70 के दशक में यदि नसबंदी को यदि उसी को आगे बढ़ाते तो आज ये जनसंख्या इतनी नहीं बढ़ी होती।
लेकिन उस समय तमाम विपक्ष के लोग उसको मुद्दा बनाया और 77 के चुनाव परिणाम चुनाव के समय ये प्रमुख मुद्दा था नसबंदी, और उसके कारण से जो जनसंख्या नियंत्रण है करने में वो कार्यक्रम पूरा प्रभावित हुआ था। आज इस जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बना दें तो कानून से कोई समस्या का हल तो होना नहीं है जब तक के लोगों में अवेयरनेस ना हो। जन जागरण बहुत ज़रूरी है और बहुत से परिवार हैं, चाहे वो गरीब तबके के लोग भी हैं, वो लोग भी एक या दो बच्चे ही के उस उसका महत्व समझ रहे हैं, क्योंकि वो लोग भी चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़े लिखे और उनके भी जीवन स्तर में सुधार हो। तो इस बात को गरीब से गरीब आदमी भी उसको समझ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जन जागरण चलाना चाहिए, केवल राजनीति करने के लिए ये कानून नहीं बनाना चाहिए। पहले भी नारा था, हम दो हमारे दो, दो या तीन, तो वो जो अभियान है उसे फिर से चलाया जाना चाहिए और जन जागरण के माध्यम से ही इसे। मध्य प्रदेश में स्कूल खोलने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा संकेत दिया है। आरएसएस के अनुषांगिक संगठन विद्या भारती के कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि 11वीं और 12वीं क्लास की 26 जुलाई से 50% क्षमता के साथ खोली जाएंगी। 15 अगस्त तक सब कुछ ठीक ठाक रहा तो छोटी क्लासेस के भी स्कूल खोलने की स्थिति पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कोचिंग संस्थानों को भी खोलने की अनुमति जल्द देने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि सावधानी जरूरी है, इसलिए सप्ताह में 2 दिन बाद एक बैच और फिर 2 दिन बाद दूसरा बैच आएगा, इसकी पूरी रणनीति हम बना रहे हैं। जनता ने अगर कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया तो 9वीं और 10वीं और फिर 6ठी और 8वीं और इसके बाद पहले से 5वीं तक के तमाम स्कूल खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा मिलनी चाहिए चाहे कैसे भी मिले, शिक्षा कैसी हो ये सिर्फ अफसर तय करेंगे, ये नहीं चलेगा। इसलिए हमने मंत्रियों का शिक्षा का एक समूह बनाया है। आजकल अजीब बात है कि छात्र मेहनत का काम कर दें तो मीडिया की सुर्खियां बन जाती है। हमें जरूरत है परिश्रम की, सरकारी शिक्षा ही सिर्फ बेहतर नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में स्कूलों को दोबारा से खोलने की स्थिति पर विचार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में स्कूल खोलने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा संकेत दिया है। उन्होंने कहा है कि 11वीं और 12वीं की कक्षाएं 26 जुलाई से 50% की क्षमता के साथ खोली जाएंगी। साथ ही 15 अगस्त तक अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो छोटी क्लासेस के स्कूल भी खोले जाने पर विचार किया जाएगा। पूर्व मंत्री और विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा है कि प्रदेश सरकार हर स्तर पर फेल हुई है। कोरोना महामारी से ग्रसित मरीजों को इंजेक्शन, बिस्तर, ऑक्सीजन और वैक्सीन उपलब्ध न होने से हजारों लोगों की जान चली गई। महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा देने में भी प्रदेश सरकार विफल रही है। पूर्व मंत्री ने कहा कि कोरोना काल में करोड़ों युवाओं की नौकरी चली गई। सरकार कोरोना का बहाना बनाकर बेरोजगारों को रोजगार मुहैया नहीं करा पाई। प्रदेश और केंद्र सरकार महंगाई को रोकने में पूरी तरह से नाकामयाब रही। जगह जगह कोई दवाई नहीं मिली, इंजेक्शन की व्यवस्था नहीं कर पाए, बाढ़ और ऑक्सीजन तक न होने से तमाम लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और ये सब मुद्दे बेरोजगारी की है। आज लगातार बच्चियों के बलात्कार में मध्य प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में नंबर एक पर है। लगातार हमले हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा 10 महीने के अंदर कम से कम 10,000 से ज़्यादा महिलाओं पर, बच्चियों पर अपराध दर्ज होने का काम अत्याचार के कारण हुए हैं। जिन सब मुद्दों से शिवराज सिंह सरकार बचना चाहती है, लगातार हर कोरोना के नाम से बहाना बनाकर सत्र से भागना चाहते हैं ताकि उनके मुद्दों की चर्चा नहीं हो। पिछले 2.5 साल से सत्र विधानसभा का नहीं चले, एक भी सत्र ऐसा नहीं है कि पूरा चला हो जब से मुख्यमंत्री दोबारा शिवराज सिंह ने मुख्यमंत्री का पद संभाला है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय ने पेट्रोल डीजल में हो रही मूल्य बढ़ोतरी को राजनीतिक महंगाई बताया है। उन्होंने कहा है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से खाद्य वस्तुओं और उपभोक्ता उत्पादों के दाम बढ़ गए हैं। संसद के मानसून सत्र में ये कांग्रेस का मुख्य मुद्दा होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय ने कहा कि आज पूरे देश में किसानों की हालत बद से बदतर इस सरकार की वजह से हो गई है। उन्होंने कहा कि अगर बात नहीं बनी तो कांग्रेस जनता की जान बचाने के लिए सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होगी।
सबसे ज्यादा मार अगर हुआ है एग्रीकल्चर सेक्टर, देश की यह पूरी आबादी, बेरोजगारी, आर्थिक मंदी, कोरोना महामारी और मोदी जी के निर्मित विपदाओं से त्रस्त है। ऐसे हालत में हर घर में जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है। डीजल, खाद, बीज, अबरक, बिजली, कृषि के उपकरण के मूल्यों में किसान की खेती के लागत का 20,000 प्रति हेक्टर बढ़ोतरी हुआ है, 20,000 प्रति हेक्टर बढ़ोतरी हुआ है। कभी 73 साल के इतिहास में 5% कीटनाशक, 18% जीएसटी ट्रैक्टर और खेती के उपकरणों पे नहीं लगा था, 12% टैक्स लगा करके इसको कितना डिफिकल्ट बना दिया गया। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में बीजेपी ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि राज्य में गरीबों को बांटे जाने वाले अनाज में कालाबाजारी की जा रही है। बीजेपी प्रवक्ता केदार कश्यप ने आरोप लगाते हुए कहा कि सुकमा की चिल्तनार पोटा केबिन के छात्रों को मिलने वाले राशन में गड़बड़ी की गई है। वहीं राज्य सरकार दोषियों पर कार्रवाई करने से बच रही है। साथ ही केदार कश्यप ने राज्य सरकार पर दोषियों को बचाने का भी इल्जाम लगाया। चिंतलनार में जो फोटा केबिन के राशन की जो हेराफेरी की गई है, कांग्रेस की ये सरकार लगातार इस वनांचल क्षेत्र में चावल जैसे मुद्दे को लेकर, चावल का जो हमारे लोगों के लिए आवश्यक है और वहाँ पर लगभग सैकड़ों टन कहते हैं अपने चावल कहते हैं, इन्होंने हेराफेरी की है और पूरे हमारे इस वनांचल क्षेत्र के, वनांचल के हमारे आदिवासी बंधुओं का हक को मारा है, वहाँ के रहने वाले बच्चों का पेट को काटा है और उसी विषय को लेकर का आज यहाँ पर धरना दिया जा रहा है। राज्य सरकार पूरी तरीके से उदासीन है, किसी भी तरीके से कोई कार्रवाई करने से हिचक रही है क्योंकि उनके लोग इसमें संलिप्त है और वो नहीं चाहते कि कोई इसके मामले, इस तरह के मामले में उनके लोग फंसे और लगातार वो अपने लोगों को बचाव करने के दृष्टि से इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगी। इस बरसते पानी में भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, हमारे महामंत्री, हमारे पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष, हमारे सांसद, पूर्व सांसद और सभी हमारे जिलाध्यक्ष, बस्तर संभाग के जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले हैं वहाँ के सभी हमारे प्रमुख पदाधिकारी आकर के कोविड नियमों का पालन करते हुए आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ से निकल करके हम कमिश्नर के पास जाएंगे। उज्जैन के शहीद पार्क से टावर चौक तक मंगलवार को NSUI के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। यहाँ नेता और कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकाला। पेट्रोल और घरेलू गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को लेकर प्रदर्शन के दौरान जमकर नारेबाजी की गई। कार्यकर्ताओं ने दो पहिया वाहन को पैदल धकेलते हुए गैस सिलेंडर हाथों में लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान NSUI के उपाध्यक्ष प्रतीश शर्मा ने कहा कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और आम आदमी के ऊपर महंगाई का भार भी बढ़ता जा रहा है। सरकार को गरीब और आम लोगों की कोई भी चिंता नहीं। हमने शहीद पार्क से टावर चौक तक रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया है। जो महंगाई वृद्धि, मूल वृद्धि जो बढ़ाई जा रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ कोरोना के कारण गरीबों को मार पड़ रही है, ऊपर से मोदी सरकार और शिवराज सरकार यहाँ पे मूल वृद्धि बढ़ाए जा रही है, बिजली यूनिट बिल बढ़ाए जा रही है, घरेलू गैस बढ़ाई जा रही है। गरीब जाए तो जाए कहाँ, उसके विरोध में आज हमारे प्रदेश भर में NSUI ने आंदोलन करा है। साथ साथ हमने भी उज्जैन से शहीद पार्क से लेकर टावर तक एक रैली के मात्र में आकर यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करा है। किसको ज्ञापन सौंपा, किसके नाम? हमने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। तो आप देख सकते हैं कि उज्जैन के शहीद पार्क से टावर चौक तक NSUI के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। यहाँ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकाला। पेट्रोल और घरेलू गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को लेकर प्रदर्शन के दौरान जमकर नारेबाजी की गई। कार्यकर्ताओं ने दो पहिया वाहन को पैदल धकेलते हुए गैस सिलेंडर हाथों में लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान NSUI के उपाध्यक्ष प्रतीश शर्मा ने कहा कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और आम आदमी के ऊपर महंगाई का भार बढ़ता जा रहा है। सरकार को गरीब और आम लोगों की कोई भी चिंता नहीं है।
छत्तीसगढ़ के जगदलपुर स्थित कलेक्ट्रेट भवन के आस्था हॉल में महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने महिलाओं से जुड़ी शिकायतों की कई मामलों की सुनवाई की। इस दौरान खास तौर पर एनएमडीसी द्वारा लैंगिक भेदभाव बरतते हुए महिलाओं को नौकरी नहीं दिए जाने के मामले में जिन 71 महिलाओं ने महिला आयोग में शिकायत की उसमें से 61 महिलाओं को महिला आयोग ने नौकरी के लिए पात्र पाया। वहीं 10 महिला आवेदिकाओं के प्रकरण पर आयोग ने दोबारा जांच कराने के आदेश दिए। आपको बता दें कि बीते डेढ़ दशक से 71 महिलाएं एनएमडीसी से नौकरी पाने की मांग को लेकर लड़ाई लड़ रही थी, जबकि एनएमडीसी ने कट ऑफ डेट निकल जाने की बात कहकर इन महिलाओं को नौकरी देने से मना किया, जिसके बाद में महिला आयोग ने एक महिला समिति का गठन किया जिसमें इस पूरे मामले की जिला प्रशासन के साथ मिलकर जांच की गई। वहीं महिला आयोग ने कुल 98 मामलों की सुनवाई की। बेटियों के रोजगार का मामला था जिस पर लगातार ये तीसरी या चौथी सुनवाई है हमारी, और इस पूरे मामले में 71 बेटियों में से 61 बेटियों को तो नौकरी के लिए पात्र मान लिया गया है। जितने भी सर्वे हुए थे और अभी आयोग के निर्देश पर भी जो सर्वे हुए उसमें 25/12/2006 की जो कट ऑफ डेट थी उसको सिरे से नकार दिया गया कलेक्टर साहब के द्वारा भी और आयोग की ओर से अधिकृत समिति के सदस्यों के द्वारा भी, और अंततः इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि 10 मामले ऐसे हैं जिनमें संभवतः उन्हें वन टाइम सेटलमेंट मिल चुका है या नौकरी मिल चुकी है। उनकी एक एनालिसिस कमेटी के सदस्य ADM के साथ मिलकर करेंगे, और उसके अतिरिक्त 61 बेटियों को नौकरी दिए जाने का निर्णय आज किया जा चुका है। इनकी बाकी जो औपचारिकता है वो हम आयोग रायपुर के माध्यम से पूरी करेंगे, और आवेदिकाओं को अब दोबारा यहाँ सुनवाई के लिए आने की ज़रूरत नहीं है। उनकी ओर से समिति के सदस्य सारी लिखा पढ़ी। मध्य प्रदेश के इंदौर के MIG एरिया में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक नाबालिग लड़की के अचानक घर से गायब होने की खबर लोगों के सामने आई। जानकारी के मुताबिक लड़की की उम्र तकरीबन 14 साल बताई जा रही है। पुलिस के दावे के मुताबिक लड़की किसी नाबालिग लड़के के साथ ही घर से गायब हुई है। फिलहाल पुलिस ने परिजनों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर तहकीकात शुरू की है। पुलिस ने दावा किया है कि जल्द ही दोनों नाबालिगों को ढूंढकर परिजनों के हवाले किया जाएगा। रात में 9:30 बजे अनूप नगर से एक जोशी फैमिली है वो आए थे। उन्होंने ये सूचना दी कि हमारी बच्ची जो उम्र जिसकी करीब 13 साल है वो 14 साल करीब है वो घर से गायब हो गई है। उन्होंने एक आशंका जताई है कि एक नाबालिग बच्चा है उसके साथ में गई हुई है। इस संबंध में एक केस रजिस्टर किया गया है और जो भी संभावित प्रयास हैं उनको ढूंढने के किए जा रहे हैं। उन दोनों फैमिलियों को समझाइश दी जा रही है कि उनके पास कोई भी आउटपुट्स हों तो हमें बताएंगे। इस संबंध में हम लोग सारे टेक्निकल और जो सर्चिंग चल रही है वो सारे प्रयास कर रहे हैं। सर दोनों की उम्र कितनी है और क्या दोनों के गायब होने पे केस दर्ज किया है या सिर्फ लड़की का केस दर्ज? केस दर्ज तो एक दोनों एक वो भी बच्चा नहीं मिल रहा और ये लड़की नहीं मिल रही तो एक ही रजिस्टर से एक ही होता है। साथ में उन्होंने आरोप लगाया दोनों साथ में भागे हैं या गए हैं या उन्हें कोई स्पष्ट उन्होंने अभी हमको नहीं बताया, उस आधार पर हम लोग सर्चिंग कर रहे हैं। दोनों की उम्र कितनी है? बच्ची की उम्र जो बताई गई है करीब 14 साल बताई गई है और लड़के की उम्र बताई गई है वो 16-17 के बीच बताई गई है। प्रथम दृष्टया क्या मामला? परिवार का क्या प्रोफाइल है सर? बच्चे कौन से? परिवार एक तो बिजनेस करते हैं और बच्चे दोनों पढ़ते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? अनूप नगर के रहने वाले हैं, श्रीनगर के पास। प्रथम दृष्टया अभी सर वो तो जो नियम के अनुसार उसकी 363 की कायमी की गई है। अभी कोई पता चला सर परिवार वालों से बातचीत हुई लड़के वालों को? अभी परिवार वाले मेरे पास भी आए थे, हम लोग रात में भी साथ में बैठे थे, जहाँ जहाँ वो बता रहे हैं वहाँ तलाश करने के प्रयास किए जा रहे हैं और जो उनके वेयर अबाउट्स हैं उनके दोस्त हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। सीसीटीवी में सर कुछ दिख रहा है? सीसीटीवी फुटेज हमने कंट्रोल रूम में दिखवाया, मैं अभी वही देखने भी आया था तो सीसीटीवी फुटेज में अभी कोई लोकेशन नहीं मिल पा रहा है। ऑटो का लोकेशन ऑटो का मिला था तो नंबर सर्च नहीं हो पा रहा, ऑटो के सारी सीरीज हमने तलाश कर ली है नहीं मिली। खबर छत्तीसगढ़ के सुकमा से है जहां थाना कोकानगर ने 72 घंटों के अंदर पालेम गांव में मृतक नुप्पो उम्र 52 वर्ष की नृशंस हत्या का खुलासा किया। नृशंस हत्या करने वाले 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया जबकि 2 अपराधी विवेचना में पुलिस को मदद करने के नाम पर ही गुमराह कर रहे थे। आपको बता दें कि झाड़ फूंक जादू टोना और आपसी जमीन संबंधी विवाद पर आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया। पालेम गांव
कुकना थाना क्षेत्र में रहता है, वहाँ पर के उनको भूमू नाम का एक बाबा मर्फ्यू आदमी उनका उनकी हत्या कर दी गई थी, उनके घर में घुस कर एक अन्य कत्ल था जिसमें एसपी साहब ने विशेष निर्देश देकर कहा कि जिसको मामले को जल्दी से सुलझाया जाना चाहिए। हमारी पूरी टीम इसमें लगी और जब इसमें हम लोग गए तो पता चला कि वहीं पास के ही गाँव के जो जिनमें से दो लोग इनके रिश्तेदार भी थे उन लोगों ने इसको हत्या करना पाया गया और पहले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया जिसमें एक आदमी इनका चाचा है और एक इनका भाई है, सगा भाई है। जमीन को लेकर के इनके बीच में विवाद था, एक साथ ही लोग बैठ करके शराब पी रहे थे और उसी दरमियान इन लोगों ने तय किया कि ये चलो इसको ख़त्म कर देते हैं, तो रात में ही गए उनके घर में कंगिया फसा से मार दी फिर उनकी हत्या कर दी। इस घटना में हम लोगों ने कुल छः आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनको आज मंडिया के मान पर भेज रहे हैं। इन लोगों से चाकू टंगिया और जो फसा है जो हत्या करने की घटना में तय किया है उसको हम लोग। एमपी के इंदौर में पुलिस की वेबसाइट हैकिंग मामले में चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। बताया जा रहा है कि वेबसाइट हैक करने वाले ने पुलिस को सिर्फ चुनौती देने के मकसद से ऐसा किया था। मामले में एक व्यक्ति का नाम सामने आया है। इससे पहले कुछ दिन महू में पकड़ी गई दो संदिग्ध युवतियों के वक्त भी बिलाल का नाम सामने आया था। हालांकि सीधे तौर पर पुलिस ने ये बात कबूल नहीं की है, लेकिन अधिकारियों का मानना है कि मुमकिन है ये वही व्यक्ति हो सकता है। आपको बता दें कि मंगलवार को इंदौर पुलिस की सरकारी वेबसाइट हैक कर ली गई थी। एक्सपर्ट्स ने इसे 6 घंटे में वापस रिकवर किया। हैकर्स ने एडिशनल SP जोन 2 के तमाम अधिकारियों के नाम के आगे हैक बाय मोहम्मद बिल्ला फ्री कश्मीर और पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा हुआ था। प्रदेश के DGP और IG इंदौर के प्रोफाइल्स की जगह तिरंगे झंडे को गलत तरीके से लगाया गया था। इस घटना के बाद हड़कंप मच गया। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में जंगली हाथियों का आतंक लगातार जारी है। सोमवार को इन हाथियों ने दो लोगों को कुचल कर मार डाला। इसके साथ ही एक 4 साल की बच्ची भी घायल हो गई। इस मामले में जिला वन अधिकारी ने बताया कि तपकारा थाना क्षेत्र के जबना गांव में ग्रामीण प्रकाश एक्का और दयामणि तिर्की को एक जंगली हाथी ने कुचल कर मार डाला। जब जंगल में स्थित अपने खेतों का दौरा कर रहे थे, इसके साथ ही वे जंगल में उपजे महुआ फल इकट्ठे कर रहे थे। इस घटना की सूचना मिलने के बाद वन अमला मौके पर पहुंच गया। वन अधिकारियों ने आगे बताया कि वनकर्मी शवों को निकालने के लिए हाथियों को मौके से भगाने की कोशिश कर रहे हैं। जंगल कोना गांव के पास कुनकुरी इलाके में हुई एक दूसरी घटना में 4 साल की बच्ची पर हाथी ने उस वक्त हमला कर दिया जब अपने माता पिता के साथ महुआ फल इकट्ठा कर रही थी। उन्होंने बताया कि लड़की को कुनकुरी के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। उन्होंने कहा कि वन विभाग ने गाँव वालों को पहले से हिदायत दे रखी थी। तो फिलहाल स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।